हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मानवेंद्र सिंह ने राज्य स्तर सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष का पदभार किया ग्रहण। पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह ने बुधवार को सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर समिति के उपाध्यक्ष पद पर राम सहाय बाजिया ने भी पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य सरकार की ये मंशा है कि पूर्व सैनिकों के हितों में कार्य किया जाए, इसलिए सरकार द्वारा इन पदों पर पूर्व सैनिकों को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सैनिकों की भलाई करने का हर संभव प्रयास सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारी गण तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का माला साफा तथा प्रशस्ति पत्र देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण बोर्ड के निदेशक ब्रिगेडियर V.S. राठौड़, विभाग के उप निदेशक श्रीमती मीनाक्षी मीना सहित विभागीय अधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। पदभार ग्रहण करने के बाद सिंह ने सचिवालय स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।